गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आई एम शशिकला वर्मा योर इंग्लिश टीचर. टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द रिवीजन ऑफ चैप्टर 5, 6, 7. ओके, नाउ स्टार्ट द फर्स्ट एक्सरसाइज इज चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर. नाउ फर्स्ट द नंबर ऑफ कलर्स वी रीड इन द पोयम इज 5, 3, 4 and 6. द नंबर ऑफ कलर्स वी रीड इन द पोयम, हमने पोयम में कितने नंबर्स पढ़े हैं, कलर्स के कितने कितने कलर्स पढ़े हैं, तो आपका है 5, है ना. हमने पोयम में 5 कलर्स पढ़े हैं. नाउ सेकेंड, द नाइट इज ऑफ दिस कलर ब्लैक ब्लू वाइट देन ऑफ दिस. नाइट का कलर होता है ब्लैक, तो हम ब्लैक के आगे टिक लगा दिए. नाउ थर्ड, द ग्रास इज ऑफ दिस कलर. ग्रास का कलर यह है, क्या है, येलो वाइट ब्लू एंड ग्रीन. तो आंसर इज ग्रीन. ओके, नाउ नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर द क्वालिटीज ऑफ द रिच मैन. बताइए इनमें से रिच मैन में क्या क्वालिटी थी. ही हेटेड द बैगर, ही वॉज माइजर, ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ आंटी, ऑल ऑफ दीज. ना, ही हेटेड द बैगर, बैगर से वह नफरत करता था, वह कंजूस था, उसे हंटिंग का बहुत शौक था और ये सभी चीज़ें. तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ दिस. वह बैगर से नफरत भी करता था, कंजूस भी था और उसे हंटिंग का भी बहुत शौक था. नाउ सेकेंड, द पुअर बैगर वॉज टायर्ड, अ माइजर, वेरी हंग्री, बोथ ए एंड सी. जो गरीब बैगर था, भिखारी था, वह थका हुआ था, कंजूस था, बहुत भूखा था, दोनों ए और सी. तो आंसर इज ए एंड सी, वह थका हुआ था और भूखा था. तो आपका करेक्ट आंसर आएगा डी नंबर. ओके, नाउ थर्ड इज द रिच मैन वेंट इनटू द फॉरेस्ट फॉर. रिच मैन जंगल गया बिजनेस के लिए, फूड के लिए, पीस के लिए या हंटिंग के लिए. तो करेक्ट आंसर इज हंटिंग. बैगर जंगल किस लिए गया था, शिकार करने के लिए गया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा हंटिंग. ओके, नाउ चैप्टर 7 से है आपका MCQ. फर्स्ट इज विच इज द बेस्ट मिल्क. सबसे अच्छा मिल्क किसका है, बफेलोज मिल्क, गोट मिल्क, काउज मिल्क या मदर्स मिल्क. तो इस बुक के, इस चैप्टर के अकॉर्डिंग आपका करेक्ट आंसर होगा मदर्स मिल्क. ओके, नाउ नेक्स्ट, विच इज़ द बेस्ट फ्लावर. इनमें से सबसे अच्छा फ्लावर किसका है, कौन सा है, लोटस फ्लावर, रोज फ्लावर, कॉलीफ्लावर या कॉटन फ्लावर. करेक्ट आंसर होगा कॉटन फ्लावर. कॉटन फ्लावर इसलिए क्योंकि जो कॉटन का फ्लावर होता है उससे थ्रेड बनता है और थ्रेड से धागे क्लॉथ्स बनते हैं जो हमारे शरीर को ढकता है. इसीलिए बेस्ट फ्लावर किसे माना गया है, कॉटन को. विच इज़ द बेस्ट लीफ. इनमें से सबसे अच्छी पत्ती किसे माना गया, बनाना लीफ, बेटल लीफ, नीम लीफ, ये नन ऑफ दिस. तो इसमें से बेस्ट लीफ माना गया है बेटल लीफ, जिसे हम पान का पत्ता कहते हैं और पान खाने का शौक सभी को होता है, इसलिए बेटल लीफ इज द बेस्ट लीफ. ओके, नाउ चैप्टर 7 से है स्टूडेंट्स, चैप्टर 7 तक हमारा हो गया MCQ. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे क्वेश्चन आंसर्स. ओके,
Answer the following question. Now, question number first is, how many green things are there in the poem? इस poem में कितनी green चीजें के बारे में बताया गया है? Answer is, how many green things are there in the poem? इस poem में कितनी चीज़ें हरे रंग की हैं? Okay, answer is, in the poem there are two green things, namely grass and trees. इस poem में दो green चीज़ें हैं जिनका नाम है grass और trees. Okay, now question number second is, how many colors are described in the poem? Poem में कितने colors को describe किया गया, means वर्णन किया गया? Answer is, the colors described in the poem are white, black, blue and yellow. इस poem में बताया गया है white, black, blue, green और yellow color. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, व्हाट डिड द बैगर आस्क फ्रॉम द रिच मैन वन इवनिंग? व्हाट डिड द बैगर आस्क फ्रॉम द रिच मैन वन इवनिंग? आंसर इज, वन इवनिंग द बैगर रिक्वेस्ट द रिच मैन टू गिव हिम something to eat. Question है, what did the beggar ask from the rich man? Beggar ने rich man से एक शाम को क्या कहा? Beggar, तो answer है, one evening the beggar requests the rich man to give something to eat. एक शाम जो है भिखारी beggar ने रिच मैन से खाने के लिए और कुछ देने को रिक्वेस्ट किया, मीन्स प्रार्थना की. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर इज, हाउ डिड द रिच मैन ट्रीट द बैगर? रिच मैन जो है वह बैगर के साथ कैसा व्यवहार करता था, कैसा ट्रीट करता था? आंसर इज, द रिच मैन ट्रीटेड द बैगर वेरी रूडली. रिच मैन जो था वह बैगर के साथ बहुत बुरा बर्ताव करता था, है ना? ही स्कॉल्ड इट एंड मेड देम रन अवे. उन पर चिल्लाता था और उन्हें भगा देता था. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, व्हाट काइंड ऑफ हॉर्स अकबर वांटेड? है ना, अकबर जो है किस प्रकार का घोड़ा चाहते थे? आंसर, अकबर वॉन्टेड हॉर्स दैट शुड नाइदर बी वाइट नॉर ब्लैक नाइदर ब्राउन नॉर ग्रे. अकबर ऐसा घोड़ा चाहते थे, अकबर चाहते थे कि वह घोड़ा ना सफ़ेद हो, ना ब्लैक, ना ही ब्राउन हो और ना ही ग्रे. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव, व्हाई डिड मदर्स मिल्क इज़ द बेस्ट मिल्क? आंसर इज, क्वेश्चन कह रहा है माँ का दूध जो है सबसे अच्छा दूध क्यों माना गया है? ओके, आंसर इज, अ मदर्स मिल्क इज़ द बेस्ट मिल्क में बिकॉज इट इज़ अ सोर्स ऑफ गुड हेल्थ फॉर द चाइल्ड. माँ के दूध को सबसे अच्छा दूध इसलिए कहा गया है क्योंकि यह बच्चे की अच्छी सेहत का साधन है, है ना? अच्छी हेल्थ के लिए अच्छा होता है, उसकी हेल्थ के लिए अच्छा होता है. ओके स्टूडेंट, सो क्वेश्चन आंसर इज कंप्लीटेड. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. Write T for true and F for false. Okay. Now first is,
The rich man was very kind and generous. Rich man बहुत ही दयालु और उदार व्यक्ति था. तो क्या होगा? था? No, false. वह ऐसा नहीं था, वह बहुत बेकार पर्सन था. नंबर सेकेंड, द रिच मैन वॉज फॉन्ड ऑफ हंटिंग. रिच मैन को हंटिंग का बहुत शौक था. यस, तो सेकेंड में आएगा टू. नाउ थर्ड इज, द बैगर रिफ्यूज टू हेल्प द रिच मैन व्हेन ही केम टू हिज हट. जब रिच मैन जो है बैगर की झोपड़ी के पास आया तो रिच मैन ने उसे इनकार कर दिया. नो, रिच मैन ने उसका स्वागत किया और उसे अंदर बुलाया. नंबर फोर, द रिच मैन फेल्ट अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ इन द एंड. लास्ट में रिच मैन बहुत शर्मिंदा होता है खुद पर. यस, ना उसको बहुत गिल्टी फील होता है. कब? जब जो बैगर जो रहता है वह रिच मैन की बहुत हेल्प करता है. नंबर फाइव, द रिच मैन लव द बैगर्स एंड गैव देम फूड. रिच मैन गरीबों से प्यार कर भिखारियों से प्रेम करता था और उन्हें भोजन देता था. नो, उनसे तो वह नफरत करता था और उन्हें घर से भगा देता था. सो स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन आंसर्स और बाकी की जो दो एक्सरसाइज है MCQ ट्रू फॉल्स मैं आपको एक्सप्लेन की हूँ. बाकी स्टूडेंट्स, आपको ये सारी चीज़ें बेटा, आपको जितनी भी एक्सरसाइज हैं बुक में वो खुद ही लर्न करना है. ओके, सो क्वेश्चन आंसर्स आप अच्छे से लर्न कीजिएगा. थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे.